अगर आप अपना ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आज मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे हम ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करते हैं। और आज की कंप्लेन का सब्जेक्ट है कि हमारा बैंक अकाउंट सही था, उसके बाद भी हमारे बैंक खाते में पैसे नहीं आए। तो इसी तरह की ग्रीवेंस के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक एक वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में चलिए हम देख लेते हैं कि हमें कैसे ऑनलाइन कंप्लेन लगानी है जब हमारा बैंक ठीक होते भी हमारे खाते में पैसे नहीं आए। और सॉल्यूशन ये हुआ है इसका, जब हमने कंप्लेन फाइल की तो हमारे पैसे पासबुक में रिटर्न आ गए, उसके बाद हमने दोबारा फॉर्म भर के PF निकाल लिया। तो चलिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं ये कंप्लेन हमें कैसे फाइल करना। दोस्तों, आपके YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूँ आपके PF, ESI, बोनस और ग्रेचुटी से जुड़े सवालों का जवाब। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस पर आपको 100% सही जानकारी मिलती है। और अगर आपको मुझसे अपना कोई सवाल पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको इस चैनल पर मिलता है। कंप्लेन वाली साइट पर जाके PF मेंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपना UN नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे तो हमारे पास जो OTP है वो हमारे SMS पे और ईमेल ID पे आएगा, अगर ईमेल ID दे रखी है तो। तो यहाँ हम दिखाते हैं कि इसके अंदर हमारे 17,000 रुपये थे जो कि हमारे सेटल हो गए लेकिन आए नहीं। बैंक डिटेल बिल्कुल सही है, इसी बैंक में पहले भी पैसे आ रखे हैं। तो इसके लिए हम जो कंप्लेन लगाएंगे वो हम एक बार OTP यहाँ एंटर करते हैं तो उसके बाद हम आगे पेज को खोल सकते हैं। तो OTP एंटर करते ही हमसे आगे डिटेल मांगता है, तो यहाँ आप अपना कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अब यहाँ मेंबर ID वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर से हमें पैसा हमारा कटा है। यहाँ हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, क्रेडिट क्लेम सेटल हो गया लेकिन हमारे बैंक में नहीं आया। मैटर को हमने पहले से टाइप करके रखा है आसानी के लिए, तो मैटर में हमने ये लिखा है कि इसके अंदर हमारा इतनी तारीख को हमने अपना फॉर्म फिल किया था और सेटल होने के बाद हमारे पैसे नहीं आए हैं। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में अपने तरीके से लिख लिया है। अगर आपको ये मैटर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसे हम सेव कर देंगे। अब यहाँ से सेव होने के बाद कंप्लेन तो फाइल हो गई, मान लीजिए इसमें कोई हमें डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे ये कंप्लेन नंबर हमें मिल गया। अब अगर हमें इसके बाद हमें पता लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट हमें लगाना है तो वापस उस वेबसाइट पर जाएंगे और इस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम अपनी पुरानी कंप्लेन में डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जाके हमने जो फॉर्म भरा था वो उनको एक रिकॉर्ड के लिए प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो हमारी कंप्लेन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ सबमिट करते ही हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी फाइल अपलोड कीजिए, ये फाइल PDF में होनी चाहिए। तो जो फॉर्म है वो हमने लेके रखा है, अटैच करेंगे हम यहाँ पे इस फॉर्म को। अटैच करते ही यहाँ सिक्योरिटी कोड मांगेगा, सिक्योरिटी कोड लेके जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारी ये फाइल सबमिट किया और ये हमारी फाइल अपलोड हो गई। तो इस तरीके से हमने अपनी कंप्लेन कंप्लीट फाइल कर दी है। अगर जब भी इसका जवाब आता है तो यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद हम अपना स्टेटस देख सकते हैं। बाय चांस मान लीजिए कि स्टेटस सेटिस्फाइंग नहीं लगता है तो जो भी जवाब आएगा उसका आप प्रिंट आउट निकाल के PF ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या अथॉरिटी से मिल सकते हैं या ईसी मेल पर मेल कर सकते हैं।